एक बार सोचिए, अगर आप सोते हैं और आपकी नींद खुलती है 100 सालों के बाद, तो कैसा होगा? तो ऐसी ही एक कहानी को आज हम लोग सुनेंगे और मेरा नाम है सुमन। तो ज्यादा देरी ना करके आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1919 में, जहां पर हमें एक ज्यूस कपिल को दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के समय अपनी जान बचाते हुए अमेरिका आ पहुंचते हैं। वो लोग इतने ही गरीब थे कि उनका एक तमन्ना थी कि वो अपने कब्र खरीद सके और मरने के बाद भी वो लोग एक साथ रह सके। यहाँ पर लड़के का नाम था हर्षल और लड़की का नाम थी सारा। इसके बाद हर्षल एक आचार की कंपनी में चूहे मारने के काम करने लगा, जहाँ 10 चूहे मारने पर उसको 1 सेंट मिलता था। ये लोग दिन रात काम करके जैसे तैसे अपने कब्र खरीदने लायक हो चुके थे और दोनों कब्र खरीद के ये लोग बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों के बाद सारा प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन ये खुशी इन दोनों को बहुत दिनों तक रास नहीं आई। कुछ दिनों के बाद हर्षल चूहे मारते मारते एक दिन आचार के डब्बों में गिर गया। उसी दिन सरकार की तरफ से एक सर्कुलर आया था कि बढ़ते बीमारियों के कारण ये कंपनी को बंद करना होगा, और सभी आचार के डब्बों को ढक दिया गया और उसी एक डब्बे में हर्षल भी कैद था। ये किसी को पता भी नहीं था, और ऐसे ही दिन बीतता गया और कब 100 साल बीत चुके थे किसी को पता भी नहीं था, और हर्षल की खोज करते हुए कोई वहाँ पर नहीं आया था। तो ऐसे ही एक दिन दो बच्चे अपने ड्रोन उड़ाते हुए उस बंद कंपनी के अंदर घुस गए, और उसी जार के ढक्कन पे वो ड्रोन आकर टकराई जहाँ पर हर्षल कैद था। वो दोनों बच्चे आए और जब वो ढक्कन हटाया, तभी हर्षल वहाँ से अचानक बाहर निकला। ये बहुत ही अजीब था, लेकिन हर्षल को कुछ भी नहीं हुआ था इतने सालों के बाद भी। ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई कि इतने सालों के बाद एक आदमी कैसे जिंदा रह सकता है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ने इसको एक्सप्लेन किया और हर्षल को जांच करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहाँ पर जब इसको जाँच किया गया, तब पता चला कि ये एकदम ही ठीक था, और ये हर्षल की होल फैमिली मर चुका था, सिर्फ इसके परपोता जिंदा था जिसका नाम था बेन। तो बेन को खबर दिया गया और बेन खुशी खुशी अपने दादाजी को लेने आ गया हॉस्पिटल पे। हैरानी की बात तो ये थी कि बेन और हर्षल दोनों एक ही तरह दिखते थे, तो सबको पता चल गया था। और जब हर्षल हॉस्पिटल से बाहर निकला, तो ये सारी बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियां देख के चौंक गया। फिर बेन ने उसको ब्रुकलिन मतलब अपने घर में हर्षल को लेके आया। अंदर आते ही वो चौंक गया था, क्योंकि उसने सारी जिंदगी गरीबी में बिताया था। बेन ने हर्षल से कहा कि आप जितने दिनों तक रह सकते हो यहाँ पर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर्षल बोझ नहीं बनना चाहता था अपने पोते पर। फिर बेन ने उसको स्पार्कलिंग वाटर पिलाया, जिसका जिक्र आप लोग एंड्रयू टेट के वीडियो में जरूर सुने होंगे। ये पानी सिर्फ अमीर लोग ही पी सकते हैं। इसको पीकर हर्षल को बहुत ही मजा आया था, और फिर बेन ने एलेक्सा से कहकर एक बहुत ही पुराना गाना चलाया और ये लोग मजे करने लगे। इसके बाद हर्षल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं पर भी उनका फैमिली फोटो नहीं था। फिर बेन ने अपने कमरे से एक एल्बम लेके आया और वहीं पर सारा की पिक्चर देख के हर्षल की आंखें भर आई। फिर उसने अपनी पोते और अपने बच्चे की जिक्र किया, और तब बेन बताता है कि एक एक्सीडेंट में वो लोग मारे गए थे। फिर हर्षल ने बेन को पूछा कि तुम करते क्या हो। फिर बेन बताता है कि वो 5 सालों से एक सॉफ्टवेयर बना रहा है जिसका नाम था बूब बॉब, जिस पे एक कस्टमर कुछ भी चीज खरीदने से पहले उसकी जांच कर सकता है कि ये कंपनी भरोसे लायक है कि नहीं। हर्षल को ये सब पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि वो चाहता था कि बेन उसके साथ एक आचार की बिजनेस खोले। अगले दिन ये दोनों अपनी फैमिली की कब्र को देखने जाते हैं, जहां पर सारा की कब्र को इतनी गंदी तरह देखकर उसकी आंख भर आई थी, और ठीक उसके ऊपर ही रूसी शराब की पोस्टर लगाया जा रहा था। पोस्टर देखकर हर्षल को रशियन आर्मी की याद आ गया था, जिससे भागते हुए ये लोग अमेरिका आ पहुंचे थे। हर्षल ने इन लोगों को मना किया कि इस पोस्टर को हटाने के लिए, लेकिन जब ये लोग नहीं मान रहे थे, तब हर्षल ने हाथापाई शुरू किया। बेन इन लोगों को छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन खुद ही मार खा गया। फिर पुलिस ने आकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और फिर बेन बहुत सारे पैसे देकर इन दोनों का बेल करवा लिया था। फिर बेन को इन्वेस्टर से पैसे चाहिए थे अपने प्रोजेक्ट मतलब वो सॉफ्टवेयर को आगे ले जाने के लिए, लेकिन जब वो इन्वेस्टर के पास पहुंचा, तभी कोई भी इन्वेस्टर उसको पैसे देने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि बेन और हर्षल की गिरफ्तारी का खबर न्यूज में आ चुका था और कोई उस पे भरोसा नहीं करना चाहता था। इसके बाद
इन सारी चीजों का दोष बेन हर्षल पर डालने लगा और बोलने लगा, अगर परदादी जिंदा होते तो क्या ही कहते कि कैसा नल्ला पति मिला है मुझे। और ये सब सुन के हर्षल को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो चाहता था कि बेन उसके साथ ये सब छोड़ के आचार की एक बिजनेस खोले। हर्षल गुस्से में आके बेन को बोलने लगा कि वो इतना सक्सेसफुल होगा, यानी इतना पैसा कमाएगा कि सारा के कबर के ऊपर से उन पोस्टर को हटा सके और कि उसके मरे हुए परिवार को उस पे गर्व होगा और बेन उसके परिवार के नाम पर एक कलंक है। ये बोल के वो वहां से चला गया। फिर हर्षल ने खीरा खरीदने के लिए सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन वो सब चीजें उसकी औकात से बहुत ही बाहर था। निराश होकर घूमते घूमते उसने एक कूड़ेदान में देखा कि वहां पर खीरे का एक पैकेट रखा हुआ था। तो वो ऐसे ही बहुत सारे कूड़ेदानों में घूमते हुए अचार बनाने की सारी चीजें को इकट्ठा करने लगा और अपना काम शुरू किया। उसने एक रेडी तैयार की और उसमें डब्बे और सारी चीजों को रख के नमक और बारिश की पानी मिलाकर अपना आचार तैयार किया और बेचने के लिए निकल पड़ा। इस आचार में कोई केमिकल नहीं था और कूड़ेदान से उठाई हुई चीजों के वजह से दुकान के आचार से यह बहुत ही सस्ता था। तो सड़क के किनारे ये अपना रेडी लगा के अपना पहला जार बेचता है $4 में, जिसको खरीदने वाला इस आचार को बहुत ही पसंद करता है क्योंकि इसमें तो कोई भी केमिकल नहीं है। तो धीरे धीरे उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहकों की भीड़ लग गई और सभी लोगों को ये पसंद भी आने लगा था। इस आचार का जिक्र धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी होने लगा और ये फेमस होने लगा। बेन जिस इन्वेस्टर से पैसे मांगने गया था, वही इन्वेस्टर अब हर्षल के बिजनेस पर पैसे डालना चाहता था। यही न्यूज जब बेन को पता चला तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और वो हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल करके ये बता दिया कि यही सब आचार कूड़ेदान से उठाए हुए चीजों से बनाया गया था। ये पता चलते ही अगले ही दिन वो लोग पहुंच गए हर्षल के बिजनेस मतलब आचार को चेक करने के लिए और इस बिजनेस को उन लोगों ने बंद कर दिया और हर्षल के ऊपर $12,000 की जुर्माना लगा। ये भरते भरते हर्षल के सारे पैसे चले गए। हर्षल बहुत ही निराश हो चुका था और तभी उसके पास आता है वो पहला ग्राहक और उसको आइडिया देता है कि तुम एक इंटर्न रखो और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अपने आचार फिर से बनाना शुरू करो। अगर इंटर्न रखोगे तो तुम्हें उनको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पहले तो हर्षल को ये एक स्लेव की तरह लगा कि काम भी हो जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आखिर में वो मान गया और इंटर्न ढूंढने के लिए वो निकल गया। बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू लेने के बाद वो दो इंटर्न को चूज किया और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक ही अपना आचार बनाना शुरू किया और फिर से उसका बिजनेस इंटर्न की वजह से चल पड़ा। इसके बाद हर्षल को रोकने वाला कोई नहीं था। उसने इतने पैसे कमाए कि उस रूसी पोस्टर को उसने खरीद लिया और जश्न मनाते हुए वो बेन के घर तक पहुंचा और बेन के घर पर पहुंच के वो बेन की मदद ही करना चाहता था, लेकिन बेन को ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि वो हर्षल के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। बातों बातों में हर्षल ने कहा कि पोलैंड के लोग तो बहुत ही बेवकूफ है। ये सुनते ही बेन को और एक शैतानी आइडिया आया। तो बेन उसको कहा कि तुम एक ट्विटर का अकाउंट खोलो और ये सारी चीजें तुम इंटरनेट पे डालो। तो उसी दिन रात को हर्षल ने अपने इंटर्न की मदद लेकर ट्विटर पे लड़कियां, शादी और क्रिश्चियन रिलीजियन के बारे में बुरा भला मतलब अपने पुराने दिनों की चिंताधारा को वो डालने लगा। ये सारी पोस्टें रातों रात आग की तरह फैल गया और अगले ही दिन उसके बिजनेस मतलब रेडी के सामने बहुत सारे लोग खड़े हो गए प्रोटेस्ट के लिए। यही नहीं, उसकी खुद की इंटर्न भी प्रोटेस्ट करने लगी थी उसके खिलाफ। ये सब होने के बावजूद वो अपने चिंता से टस से मस नहीं हुआ। थोड़े ही दिनों में उसके जैसे सेम सोच रखने वाले लोग उसको अपना हीरो मानने लगे और उसको फिर से फेमस कर दिया। फिर 2-3 दिनों में उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया गया एक टीचर के साथ डिबेट करने के लिए, जहां पर उसने सेम चीज बोली और सभी लोग उसको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे, उसको उस बातों से खुश होकर उसको चीयर अप कर रहे थे। और तभी बात आती है क्रिश्चियनिटी रिलीजियन के ऊपर और ये क्वेश्चन भी भीड़ में छुपे हुए एक आदमी करता है जो कि खुद बेन ही था। फिर हर्षल बेझिझक क्रिश्चियनिटी के ऊपर बोलने लगता है कि वर्जिन मैरी ने खुद ये रिलीजियन बनाया था अपने फायदे के लिए, ताकि वो अपने अफेयर को छुपा सके, और क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो जो भरोसा करते हैं वो सब लोग बेवकूफ है। तो ये सब सुन के जो लोग हर्षल के साथ थे वो लोग भी उसके अगेंस्ट हो गए और उसको दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। फिर जैसे तैसे वो एक गली के अंदर छुप गया।
उसी रात टीवी से हर्षल को यह पता लगा कि गवर्नमेंट उसको फिर से यूरोप भेजने की तैयारी कर रहा था और उस पे यह इंजाम लगाया था कि वो गैर कानूनी तरीके से यूरोप से यूएसए आ गया था। ये सब सुन के अगले ही दिन वो बिन के पास पहुंचता है मदद के लिए और कहता है कि वो जंगल के रास्तों से कनाडा चला जाएगा जहां पर वो अपना बिजनेस फिर से शुरू करेगा। तो आखिरकार बिन हर्षल की मदद करने के लिए राजी हो गया और अगले दिन सुबह वो दोनों निकल गए कनाडा की तरफ। रास्ते में जाते जाते बिन के हाथ में चोट लग गया था, फिर हर्षल ने अपने कपड़े फाड़ कर उसको पट्टी किया और फिर से वो दोनों निकल गए रास्ते। रात में बिन को बहुत ठंड लग रहा था, तब हर्षल उसको गले लगा कर वहाँ पर सो गया। अगले दिन वो जब बॉर्डर क्रॉस ही करने वाले थे तभी उनको एक सोल्जर की कार दिखी और वो लोग छुप गए वहाँ पे। उस समय बेन को बहुत ही बुरा लग रहा था, तो बेन सब कुछ सच सच बता दिया हर्षल को कि वो क्रिश्चियनिटी का क्वेश्चन देन हेल्थ डिपार्टमेंट को फोन बेन ने ही किया था। ये सब सुन के हर्षल को बहुत ही गुस्सा आया और वो बेन को एक घूसा मार दिया। इन्हीं सब हलचल के बीच में सोल्जर को पता लग गया था कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, तो जब वो लोग चेक करने के लिए आए तभी बेन तो बेहोश था और हर्षल बेन के बैग से एक रेजर निकाला और खुद के दाढ़ी को ट्रिम करके वो बेन बन गया और बेन की आईडी दिखा के खुद को बेन बताते हुए वहां से वो निकल गया। फिर उस सोल्जर को बेन मिलता है बेहोशी की हालत में और वो लोग बेन को हर्षल समझते हुए बेन को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सब कुछ हर्षल दूर से देख रहा था लेकिन वो चुपचाप रहा। इसके बाद बेन के ऊपर मुकदमा चला लेकिन उसकी कहानी कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, तो बेन को ही यूरोप भेज दिया गया उसी गांव में जहां पर हर्षल रहता था। बेन के लिए मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ने लगी क्योंकि वहां पर कोई भी इंग्लिश नहीं समझ रहा था, तो बेन एट लास्ट उसी ज्यूज वाले मंदिर के अंदर वो घुस के बैठ गया। इसके बाद हर्षल बेन बन के उसके घर में मतलब ब्रुकलिन पहुंचा और वो सब चीजें देखने लगा। तभी वो फैमिली एल्बम को फिर से देख रहा था और तभी वहां से एक पिक्चर निकल के आया जो कि बेन ने ड्रॉ किया था। उसमें वो अपने फैमिली को ड्रॉ करता है और अपने माता पिता को बूप और बॉप नाम देता है। तो तभी हर्षल को ये रियलाइज होता है कि वो अपने माता पिता को दिए हुए नाम के ऊपर मतलब बूप बॉप के ऊपर ही ये सॉफ्टवेयर बना रहा था और वो अपने माता पिता को बहुत ही प्यार करता है। तो ये सब देख के वो सहम गया और न्यूज में जब वो बेन की तस्वीरें देख रहा था तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। हर्षल ने यहाँ पर फैसला कर लिया था कि वो यूरोप जाके बेन को लेके आएगा। दूसरे तरफ उसी जीव्स के मंदिर में एक आदमी आता है और बेन को कहता है कि तुम अपने मरे हुए फैमिली को श्रद्धांजलि दे दो। ये करते हुए बेन बहुत ही भावुक हो जाता है अंदर से और तभी हर्षल वहां पर पहुंचता है और दिल से उससे माफी मांगता है। तभी ये दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और ये लोग फिर से वापिस आने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद हर्षल बेन को उसी तालाब के पास लेके आया था जहां पर वो 100 साल पहले सारा के साथ बैठता था समय बिताने के लिए। यहां पर ये दोनों बैठ के बहुत सारी बातें किया और फिर से आचार की बिजनेस खोलने के लिए राजी हो गया और इसी बिजनेस का वेबसाइट बेन बनाना चाहता था। बेन उसका जिम्मा खुद से उठाया। फिर ये दोनों ब्रुकलिन पहुंचे और अपने दादी मतलब सैरा की कब्र के ऊपर इन लोगों ने फूल चढ़ाए और ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो गई। अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। गुड बाय।